चलो दोस्तों, ये किन्नर चलते हुए ट्रेन में दुआएं देते हुए यात्रियों से पैसे मांग रही थी। पैसे मांगते मांगते इस जेंटलमैन आदमी के पास आती है, फिर जेंटलमैन से पैसे मांगने लगती है। तो जेंटलमैन बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये किन्नर इस बार भी पैसे नहीं रखा है बोलकर यहाँ से जाने लगती है। तभी ये आदमी इस किन्नर को गाली देकर भिखारी हिजड़ा बोलकर इसकी इंसल्ट कर देता है। तो किन्नर सुनकर फिर इस आदमी के पास वापस आती है, फिर इस आदमी को अच्छा सबक सिखाती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखे ना दोस्तों, ये किन्नर सच ही कह रही है। आज भी हमारे समाज के लोग इन लोगों से बहुत भेदभाव करते हैं, जिससे इन लोगों को बचपन से ही बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और साथ ही इनको नौकरी पर भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में ये क्या करेंगे अपने पेट को पालने के लिए? तो ये लोग इसलिए शायद यही काम करते हैं और लोगों को दुआएं देते हैं। कहा जाता है इनकी दुआएं भगवान जल्दी सुनते हैं। और इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा।